से आगे और मिल मिल कर बैठो अलहमदिल्लाबीआलमीन वह सला नबी ना व मौलाना मोहम्मद वाली वही वा अजमाइन अम्माबाद बयान शुरू करने से पहले अभी हमारे एक दोस्त ने नमाज़ और तिलावत के दरमियान एक बहुत अच्छा मसला पूछा था मैं सोचता हूँ उनको भी ज़्यादा सवाब मिल जाए और वो मसला आम तौर पर कई लोगों को पेश आता है इसलिए उसकी वजाहत और चौखट भी हो जाए अच्छी तरह समझ लो इसलिए कि मसला हम सब में तकरीबन लोगों को पेश आता है ज़क़़त का मसला है <coughs> वो हमारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि अगर कोई आदमी इंग्लैंड आना चाह रहा है और उसको 10-15-20 लाख रुपए का ख़र्चा होने वाला है प्रोसीजर्स के लिए पेपर वर्क के लिए वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड और वो आदमी बेचारा जक़त का मुस्तक है उसके पास ज़ीरो बैलेंस है अगर इतनी बड़ी रकम उसको यहाँ आने के लिए दी जाए तो क्या ये जायज़ है ये शक और डाउट असल में जो पैदा हो रहा है पूछने में हम समझते हैं कि एक तरफ मसला ये कहता है कि किसी आदमी को ज़क़़त इतनी नहीं दे देनी चाहिए कि जिससे वो खुद जक़ात अदा करने के काबिल बन जाए तो हमारा इस पर एक लॉजिकली क्वेश्चन मार्क ये है समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अवलन तो आप किसी को दस लाख रुपए पांच लाख रुपए दें तो उस पर जक़ात एक साल तक अगर वो पांच दस लाख रुपए पड़े रहते हों तो वाजिब होगी यहां आपने उसको दस पंद्रह बारह लाख रुपए दिए तो वो तो प्रोसीजर वर्कआउट में उसको खर्चा कर डालेगा लिहाजा नो प्रॉब्लम आप उसको दे सकते हैं हाँ मैं आपको होशियार भी कर रहा हूं एशियन पीपल हैं आप भी मैं भी सभी आप बदाज गुजराती है लगभग इसलिए कुछ लोग ध्यान से सुनो हमारी जिम्मेदारी है बात के दोनों पासों को समझाना कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखते हैं उसको टच भी नहीं करते मसल उनके पास जमीन है मकान है उनकी जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा और वो आपके सामने फिर 12 लाख 15 लाख 10 लाख रुपए की जक़ात मांग रहे हैं यहाँ आने के लिए या बच्चे को स्टडी फर्दर स्टडी करवाने के लिए या मकान बनाने के लिए जबकि उनके पास खेती की ज़मीन नहीं कह रहा हूँ खेती की ज़मीन जिसको वो खेतता भी हो जोतता भी हो तो इट इज़ वन काइंड ऑफ इनकम ज़मीन लेकिन जो ज़मीन एने कर दी हुई है या एने की जाने वाली है आज आप बदा जमीनों वेचवाज बेहेला है हालांकि इस मामले में मोहतात रहना चाहिए तो अगर किसी ने जमीन बेचने के लिए साइट पर रखी हुई है कि जब इसका फायदा ज्यादा होगा तो मैं बेचूंगा तो वो जमीन उसकी साइट पर है एक्स्ट्रा है और वो इधर जक़ात ले रहा है जायज नहीं है वो जायज नहीं है इसलिए कि ऑलरेडी उसके पास ज़मीन बेचने की नीयत से पड़ी है तो वो खुद ज़क़ात अदा करने के काबिल है वरना वंस अगेन आई रिपीट दूसरे अंदाज़ में कि किसी को इतना पैसा देना कि वो ज़क़ात के काबिल बन जाए वो मुतलक जायज़ और नाजाइज़ का मसला नहीं है ये तो कैसा है सिंपली समझा रहा हूँ एक आदमी का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है अल्लाह ताला सबको शिफा दे उसका बिल हुआ है एक लाख दो लाख तीन लाख रुपए ठीक है? आप उसको बिल पे करने के लिए तीन लाख रुपए दे रहे हैं जायज है कि नहीं है बताओ अरे बोलो सभी माशाल्लाह कहेंगे इसमें तो हालांकि तीन लाख रुपए तो निसाब के बकदर माल है लेकिन ये तीन लाख रुपए निसाब के बकदर माल तब कहलाएगा जब वो एक साल तक उसके पास सेफ पड़ा भी रहे खर्चा उसका न हो लिहाजा इस सिलसिले में ज़रा भी कोई वसवसे में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं है हाँ अब उसको दूसरे अंदाज में फिर ज़रा डिटेल में जा रहा हूँ बहुत अच्छी बात आ गई है इसलिए उसको समझा दूँ अगर इंडिया में किसी की बेहतरीन रोजी चालू है वो सेल्फ अर्निंग माशा अल्लाह कर रहा है इन्ना लिल्ला नहीं कर रहा है इंसान की जिंदगी की दो किस्में हैं एक उसकी जिंदगी माशाल्लाह वाली होती है और एक उसकी जिंदगी इन्ना लिल्ला वाली होती है अल्लाह ताला हमारी जिंदगी माशाल्लाह वाली बनाए इन्ना लिल्ला वाली ना बनाए हमारे अंदर अब उतनी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो एक आदमी प्रॉपर जैसे परसू तरसू हमारे साथी ने मुझको बतलाया कि इंडिया में एक आदमी है वो बेहतरीन फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसकी अर्निंग शानदार है अब उसको इंग्लैंड आना है आप उसको आने के लिए 10-12 लाख रुपए ज़क़ात नहीं दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं ये तो कैसे लोगों के लिए दे सकते हैं जमने बार हंधे ने टेर टूटे टूटे आप कहवाई तेम कि जो बेचारे परेशान परेशान होते हैं और उनकी रोज़ी का वहाँ कोई इंतज़ाम न हो तो आप उसको दे सकते हैं भले बल्कि यहाँ आकर मेहनत करने की पूरी नीयत रखने वाले को और उस नीयत का अंदाज़ा उसकी ज़िंदगी से भी होता है या इंडिया में भी उसको पग भर करने के लिए उसको बराबर अपने पैर पर खड़ा करके सेल्फ अर्निंग करने के लिए जक़ात देना तो बहुत बेहतर है कुवैत में अभी एक शेख का इंतकाल हुआ आप लोगों ने शायद इंग्लिश में भी कभी उनका नाम सुना हो डॉक्टर यूसुफ अल रहमतुल्लाह रहा वेरी बिग एंड एक्सपर्ट स्कॉलर। वो थे मिस्र के लेकिन फिर कुवैत की ज़मीन ने उनको आसरा दिया था वहाँ जाकर बस गए थे मैं सोच रहा हूँ बयान का टॉपिक शुरू करने से पहले ये मसला ज़रा सा समझा दूँ उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ये 2000 5000 10000 4000 किसी को दे देना और उसको खुश कर देना ये अच्छी चीज नहीं है भले वो जकात का مستحق है आप तो अपनी जकात को सिस्टमैटिक खर्च करें किसी को पैर पर खड़ा करने के लिए कि आइंदा साल वो खुद जकात देने वाला बन जाए आइंदा साल वो खुद हम लोग क्या करते हैं मुझे बहुत माफ़ कीजिए मैं अपनी ही कम्युनिटी में हूं और मैं आप ही का हूं इसलिए खुली बात कर रहा हूं बुरा लगे तो मुझे माफ़ करें अच्छा लगे तो दुआएं दें बुरा लगे तो भी दुआएं दें हम लोगों ने असल में हमारी कम्युनिटी में कुछ लोगों को बिगाड़ डाला है कि एक ही आदमी हमारे सब लिस्ट में है अफ्रीका वालों की लिस्ट में भी है रियूनियन वालों की लिस्ट में भी है इंग्लैंड वालों की और इंग्लैंड में भी फिर लंडन वालों की लिस्ट में भी है प्रेस्टन बोल्टन ब्लैकबर्न सब लोग दो दो पाँच पांच हजार रुपये उसको देते हैं ए करे माटेड़ो आखू और बेहि है बेहि है कुछ कमाते नहीं ये लोग वो जो आया बल्कि आपको ताजुब होगा मैं गाँव का नाम नहीं लूंगा अफसोस के साथ ये मेरे साथ खुद गुजरा हुआ वाक्य है मैं एक दफा एक गांव से दूसरी जगह रेलवे स्टेशन पर जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए तो रिक्शा में आगे ड्राइवर के साथ बैठा था पीछे कुछ औरतें उमर रसीदा एजेड वुमन बैठी हुई थी वो आपस वो मुझे ऐसा समझी के, कोई मोल साहब के मोल साहब ने जो इन्हें लगभग लोगों ने लग लो दिमागते हुए और अगर चंदा करने आया भी है तो उसको इज्जत के साथ देखो इसलिए कि वो अपने घर के लिए मांगने नहीं आया है वो के रसूल के मेहमानों के लिए मांगने आया है वो अल्लाह के रसूल के मेहमानों का वकील बनकर आया है अगर उसकी इज्जत कर सकते हो तो बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम उसको बेइज्जती की नज़र से नहीं देखना चाहिए तो वो पीछे बैठी हुई औरतें आपस में गुजराती में बात कर रही थी कि मारी तो तौण वरहनी जकात भेगी थैली है नहीं इनू व्याज आज आटलू आवा है एट्ले हूँ लेवा चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मैंने फिर उनकी तरफ मुड़कर देखा कि खाला ऊबी तुम्हारा समाज नो छुवा तुम्हें केवी बात करो એટલે તમે કેવા હું માંગો તે કે દીકરા એ તો દર વર્ષે જકાત આવે ને અમે લોકો તેને બેંકમાં મૂકી દે એનું વ્યાજ આવે તે ખાયા કરીએ જેથી અમારી આવનારી ઓલાદ ઈને પછી ઇસ્તેમાલ કરે જકાત ને میرے ભાઈઓ બહુત જ્યાદા તહકીક કરને કી જરૂરત હે યે જો યે જો જકાત કી અદાઈગી હે વો બોજ ઉતારને કે લિયે નહીં હે નહીં 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 मैं कुरान करीम को आपके सामने पेश करता हूँ ऐसा समझो बयान शुरू हो गया पारे में जक़ात अदा करने वालों के साइकोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में बयान किया गया है एक जगह बयान फरमाया के कुछ लोग देहाती लोग अपने बदा गामा छे ह वो तो बाद में जाकर अगर सूरत में बड़ौदा में नवसारी में फ्लैट ले लिया हो तो इसका मतलब नहीं है कि अपने सिटी के हो गए कि कुछ देहाती लोग ऐसे होते हैं जो अपने खर्च किए जाने वाले माल को टैक्स समझते हैं जकत टैक्स नहीं है जकत का तो रिवॉर्ड हमको मिलने वाला है टैक्स का कभी रिवॉर्ड नहीं मिलता अब आपको हमारी कंट्री में मिलता है तो आपकी कंट्री में जकवात भी और वो टैक्स भी मोर एंड मोर मोर एंड मोर लिया जाता है और हर एक को मिलता हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कभी अपनी ज़बान से नहीं कहने का कि मैं तो टैक्स इसलिए दे रहा हूँ कि बुढ़ापे में मुझे ये पैसा काम आए नहीं हदीस शरीफ में आता है ला तमन्न उलखा अल अदू मैं इस हदीस शरीफ की रोशनी में समझाना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में बीमारी की नीयत मत रखो इंतज़ार मत करो सल्ला आफिया अल्लाह तला से क्या मांगो आफियत अल्लाह तला से सलामती मांगो तो ये जक़ात को कुछ लोग जो देते थे वो टैक्स समझते थे और उसके मुकाबले में उसी ग्यारहवें पारे में आगे आया वमीन अलाबी मैं तखीदात व सलावत रसूल के कुछ लोग जक़ात अदा करते हैं तो उसमें सवाब की नियत रखते हैं कि इसका तो हमको कई कई सौ गुना क्या बल्कि हजारों गुना बढ़कर मिलने वाला है लिहाजा जक़़त भी एक किस्म की हमारी नमाज है मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ हम लोग नमाज में खड़े होने से पहले वजू करते वक्त पानी कैसा है कि नहीं उसकी तहकीक करते हैं कि नहीं बोलो जगह कैसी है उसकी तहकीक करते हैं डायरेक्शन बराबर है कि नहीं उसकी तहकीक करते हैं ना तो जक़त अदा करते वक्त अभी डायरेक्शन बराबर है या नहीं है उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए हम जिसको दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है उसकी तहकीक ऐसा नहीं है कि मैंने तो नीयत करके दे दी है तो अल्लाह कबूल करना रोचे तो अल्लाह ताला बग़ैर वजू के नमाज कबूल करता है क्या अल्लाह ताला किबले से हटकर अगर नमाज़ पढ़ी तो कबूल करता है क्या नहीं करता बस ऐसे ही तो ये एक दो मसले सामने आ गए थे इसलिए मैंने इसको समझाया गुजशत कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी अल्लाह इज़्ज़त की दस वसीयतों के बारे में अल्लाह ताला ने आठवें पारे में दस वसीयतें की हैं जिनमें से पहली वसीयत है इंसान के लिए शिरक से दूर रह कर तोहीद को इख्तियार करना और तोहेद की मैंने थ्री काइंड्स में से दो काइंड्स एक्सप्लेन कर दी एक रुबूबियत और दूसरी उलूहियत तीसरी किस्म तोहद की वो है जिनके बारे में हम एशियन पीपल अक्सर व बेशतर हैं उसके बारे में हम जानते नहीं हैं तीसरी किस्म है तोहैद की वो है तोहैदुलस्समा वफ़ात अल्लाह अपनी ज़ात में यकता है तने तनहा है उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं वैसे ही उसकी सिफतों में भी कोई शरीक नहीं है उसके जितने भी नाम हैं अब अल्लाह के कितने नाम हैं वो एक सवाल होता है जवाब ये है कि हमारे इल्म में नहीं है कि अल्लाह के कितने नाम हैं वो जो नाइनटी नाइन नेम्स हम लोग जानते हैं वो तो वो नाम हैं जो क़ुरआन और हदीस में बयान किए गए हैं वरना जैसे अल्लाह की ज़ात की कोई लिमिट नहीं है अल्लाह की ज़ात की कोई बाउंड्री और बॉर्डर नहीं है वैसे अल्लाह के नामों की भी बल्कि बुजुर्गों ने लिखा कुछ नाम तो और कुछ सिफतें तो अल्लाह की ऐसी हैं जो क़यामत के दिन जाहिर होंगी उससे पहले किसी को उसका तस्वूर भी नहीं हुआ होगा उसकी दलील मिशकात शरीफ में एक रिवायत आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दुआ इंग्लिश में भी मांग सकते हो उर्दू में भी मांग सकते हो गुजराती में भी ये ऐसी दुआ है कि जिसको अगर अपनी दुआ के शुरू में पढ़ लोगे तो इनशा दुआ कबूल हो जाएगी कौन सी दुआ हुजूर दुआ करते थे तो फरमाते थे किताबिकहू अहदम ओ आलम तह अहदमिन खल्क और तबी फी ग्री टुकड़ा समझाना है लेकिन शुरू से समझा रहा हूँ गुजराती में भी बोलो अल्लाह को इंग्लिश में भी बोलो और फिर आगे का मांगो ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे हर उस नाम के सदक तुफ़ैल जो तूने अपने लिए रखा हो तभी नफसत या तूने अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया हो क्या मतलब यहाँ जरा खास देना अल्लाह ताला अपने मखसूस कुछ बंदों पर अपने कुछ नाम खोलते हैं हाँ ये जानना पड़ेगा अल्लाह ताला अपने सिलेक्टेड बंदों पर अल्लाह के यहाँ इलेक्शन नहीं होता है सिलेक्शन होता है इसलिए कि इलेक्शन तो वो करता है जिसको मालूम ना हो और ओपिनियन लेने के लिए इलेक्शन किया जाता है और दूसरे अल्फाज में बताऊँ एकदम सिंपल इलेक्शन एतमाद हासिल करने के लिए लिया जाता है भरोसा लिया जाता है और सिलेक्शन में भरोसा दिया जाता है तो अल्लाह तबारा व वह सिलेक्शन करते हैं बाज़ अल्लाह के बंदे होते हैं जिन पर अल्लाह अपना नाम कोई ना कोई नाम खोल देते हैं उनके दिल पर फिर वो उस नाम की बरकत से फटाफट ऊपर के दर्जों पर पहुंच जाते हैं फिर वो उस नाम की बरकत से अल्लाह के पास जो भी मांगते हैं उनका मसला हल हो जाता है हमारे बुजुर्गों में हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैहि थे अल्लाह तला ने उनके ऊपर अपना एक नाम खोला था या लतीफ, अल्लाह ताला का नाम है ना? अल लतीफ हज़रत के पास जब भी कोई किसी भी काम का इलाज के लिए जाता था चाहे शादी का चाहे रोज़ी का चाहे बीमारी का चाहे किसी भी चीज़ का हज़रत उसको या लतीफ़ू का विर्द बताते थे हमने अपने उस्ताद मौलाना सैयद जुल्फकार साहब रहमतुल्लाह लाई से पूछा कि हज़रत या लतीफ़ु या लतीफ़ु ही सबको क्यों बताते हैं हज़रत ने उस वक्त हमें समझाया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत बाधवी पर लतीफों को खोल दिया है अल्लाह नाम हजरत को दे दिया है एक एक किस्म की जिसको मास्टर की बोलते हैं हाँ देखो मिसाल याद आ गई मास्टर की होती है ना होटलों में जब हम लोग कभी किसी रूम में रहने जाते हैं अब हम तो गए हैं अपनी की लेकर हरम शरीफ में या कहीं भी गए हैं मार्केट में लेकिन वो होटल का जो सर्विस स्टाफ होता है रूम क्लीनिंग का वो हमारा कमरा आकर खोल कर कैसे साफ करता है बताओ उसके पास मास्टर की होती है ना तो कुछ अल्लाह वालों को जिन पर एतमाद होता है अल्लाह ताला मास्टर की दे देते हैं कि वो एक ही की से उनकी कोई भी दरवाज़ा उनको खोलना हो कोई भी कमरा खोलना हो अल्लाह ताला खोल देते अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझको भी तेरा कोई ऐसा नाम इका फरमा दे कोई ऐसा नाम बता दे कि मैं उस नाम से आगे के दर्जात और आगे मैं पूरा पूरा मामला अपना हल करवाता चलूं। तो अल्लाह ताला के नामों में भी तोहीद इख्तियार करना जरूरी है और वो जो नाम है समझा रहा था कि अल्लाह अपने बाज बंदों को सिखाते हैं और आगे आया कि अविसर तभी इंदक ए अल्लाह तेरा वो नाम जो तूने तेरे गैब वाले इल्म में छुपा कर रखा है पता चला अल्लाह ने बहुत से नाम अपने पास बहुत आ छुपा कर रखे हैं उसको स्पेशल करके रख दिए हैं वक्त आने पर वो उसको जाहिर करेगा तो अल्लाह ताला के नामों में तोहेद का मतलब क्या क्या मतलब अल्लाह ताला के नामों में तोहेद का मतलब ये है एस पर एग्जाम्पल अल्लाह का एक नाम है गिफ्ट देने वाला गिफ्ट देने वाला हाँ, अब औलाद के बारे में कुरान शरीफ में औलाद के बारे में जहां भी चैप्टर टॉपिक आया है वहां यहबू, वहब हब वगैरह के अल्फाज आए हैं इनासा रबना हब लना मिन अज़वाजिना व तीना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब अलल किबरी इसमाइल समझो जरा डिटेल में वहब और मैंने कहा अल्लाह का नाम है वहाब हम कहते हैं ना अंतल वहाब का माना हमारे हक के बगैर तेरी मर्जी और खुशी से तू हमको बहुत सी चीजें हदीये में देता है हदिया किसको बोलते हैं हदीये में सामने वाले का कोई हक नहीं होता देने वाला अपनी मर्जी से अपनी खुशी से देता है इसीलिए अगर किसी ने किसी को हदिया पचास पाउंड दिया किसी ने पाँच सौ दिया तो वो पाँच सौ देने वाले के मुकाबले में पचास वाले के सामने ऐतराज नहीं किया जा सकता इसलिए कि हदिया हदिया है कोई दस भी दे कोई पचास भी दे कोई पाँच हजार भी दे हदिया हदिया होता है अल्लाह ताला वहाब है क्यों हमारा कोई हक नहीं है हमारे हक के बगैर वो अपने फजल से हमको सब कुछ देता है एक बहुत बड़े मुफसर गुजरे हैं इमाम राजी रही वो लिखते हैं कि जो कुछ हमको पैदा होने के बाद मिलती हैं वो अल्लाह की गिफ्ट है वो हमारे आमाल का बदला नहीं है क्यों उन्होंने बहुत अच्छी बात एक्सप्लेन इतनी अच्छी बात लिखी है वाक वो कहते हैं हम अपना एडवांस वेजिस पैदा होने से पहले ही ले चुके हैं हमने पैदा होते वक्त ही पैदा होने से पहले ही एडवांस में अपना वेजिस ले लिया है ये दो आँखें, पैदा होते वक्त हमको जो मिली दो किडनी मिली हार्ट मिला फेफड़े मिले पंपिंग कर रहे हैं सब सब कुछ ये सब किसके बदले में मिले चलो बताओ किसके बदले में मिले हमने पैदा होने से पहले कोई अमल किया था अरे बोलो कोई काम किया था नहीं हमको ये एडवांस में मिल चुका है अब हमें जो कुछ मिलता रहेगा और मिलता चला जाएगा वो एडवांस में तो हमें मिल चुका अब ये ज्यादा मिल रहा है हमारे हक से भी ज्यादा इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया कि तुम में से जिसका खुलासा है हदीस का कि तुम में से कोई कभी भी ये ना समझे कि मैं अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाऊंगा नहीं अमल का बदला तो एडवांस में मिल चुका है जन्नत तो अल्लाह ताला का फजल है जन्नत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है बहरहाल समझा नहीं चाहता कि वहाब अल्लाह ताला गिफ्ट देने वाले हैं और औलाद भी अल्लाह की गिफ्ट है हाँ कोई कभी भी ये ना समझे कि औलाद शादी के तुफैल मिलती है दुनिया में कई जोड़े ऐसे हैं हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी शादियाँ होने को कई कई बरस गुजर गए बिचारों ने चप्पल घिसना तो बात की बात पैर भी घिस डाले डॉक्टरों के पास जाकर भी और अल्लाह जाने कैसे कैसे लेकिन उनको औलाद नहीं होती और कुछ लोग कंट्रोल करना चाहते हैं फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको छप्पर फाड़ कर देते ही रहते हैं ये अल्लाह तला का इनाम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के लिए बड़ा खजाना है पता क्या चला कि औलाद को देना ये अल्लाह की शान व हाबीअत के नतीजे में है और मैं समझा क्या रहा हूँ उसको भूलना नहीं फिर याद दिलाता हूँ Allah के और सिफात में उसकी तो उसका एक नाम क्या है वह वाला कौन अल्लाह अब किसी को औलाद नहीं हो रही है कबील का इलाज करवाने जा रहा है और उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है उसके सामने झुकझुक कर बात करता है इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये हुआ कि वो यूं कहना चाहता है कि औलाद वो दे सकता है औलाद अल्लाह अल्लाह के पास वो इतना नहीं मांगता जकरिया सलाम को औलाद नहीं थी बात पूरी ध्यान से सुनो दिमाग खुश हो जाएगा कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है जकरिया को 120 इयर्स ओल्ड ही वाज और उनकी बीवी 80 इयर्स ओल्ड 80 इयर्स ओल्ड और 120 साल की उम्र में भी वो ताकतवर नहीं थे ख़ुद कुरान करीम ने बयान किया सूर मरियम में वो शुरू में कह रहे हैं इन्नी वहन इन्नी मेरे हड्डियों में से कैल्शियम ख़त्म हो गया इसका मतलब ये होता है तर्जमा दूसरा है लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरी हड्डियों में कैल्शियम नहीं है सर के बाल सफ़ेद हो गए लेकिन हुआ क्या था देखो अल्लाह के बंदे गैसिंग कैसा करते हैं हम लोगों की नज़रें ये फॉर्मालिटी वाली नज़र हो गई हम बिल्कुल किसी भी चीज के ऊपर नॉर्मल विजन से देखते हैं ईमान वाला नॉर्मल विज़न से नहीं देखता वो डीपली जाता है ये बात याद रखो ईमान वाला किसी भी चीज को देखकर उसके ऊपर गेस करता है हजरत जक़रिया अलैहि सलाम की स्पॉन्सरशिप में और उनकी वॉच में या उनके केयर टेकर होने में चलो हजरत सलाम वाज़ द केयर टेकर ऑफ हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा बिकॉज हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाइफ वॉज द आंटी ऑफ हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम की वो खाला थी अब हजरत मरियम के वालिद का तो जब वो पेट में थी उसी वक्त इंतकाल हो गया था हजरत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी नाम से तीसरे पारे से एक सूरत चलकर चौथे तक खत्म होती है सूर ए आले इमरान बहुत मजेदार बात है पूरी तवज्जो देना तो समझ में आएगी हजरत इमरान अलीसलाम की बीवी प्रेग्नेंट थी यानी हजरत मरियम की अम्मी और हजरत इमरान का इंतकाल हो गया अल्लाह तला अपने बड़े बंदों को स्ट्रगल भी करवाता है याद रखना अल्लाह को जिनको बहुत बड़ा बनाना होता है या ऊपर तक ले जाना होता है उनको सफ़र भी उतना ही करता है इंग्लिश वाला सफ़र उर्दू वाला नहीं उनके पास स्ट्रगल भी उतना ही करवाता है हदीस शरीफ में अल्लाह ने अपनी सिस्टम समझाई है अल्लाह की सिस्टमों को भी समझो तो इन कभी बेसब्री नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह तला की सिस्टम है जिसको अल्लाह ज़्यादा करीब करना चाहता है उसको आज़माता भी ज़्यादा है उसका इम्तिहान और एग्ज़ाम्स भी उतने ही लेता है उसके ऊपर हालात भी थोड़े थोड़े दिनों पर कोई ना कोई नई हालत उसके ऊपर लाता है ताकि वो अल्लाह के करीब धुला धुलाया जैसे इसकी आसान मिसाल जिस कपड़े को बहुत ज्यादा तवज्जो से धोकर शाइनिंग वाला बनाना हो तो उसको नॉर्मल वॉश पर वॉशिंग मशीन में डाला नहीं जाता बल्कि उसको रिपीट किया जाता है बार बार उसको धोया जाता है तो हज़रत इमरान अलात वाम का इंतकाल हो गया हज़रत मरियम पैदा हो गई तो अब ये तो एक नबी की बेटी थी लोगों में डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हुए कि भाई इनको कौन रखेगा इनकी कफालत कौन करेगा हर एक अपना अपना दावा पेश कर रहा था हज़रत जकर ने फरमाया कि मैं उनका मैं उनका अंकल हूँ मोसाजी जिसको अपने कहते हैं मोहाजी मैं उनके मोहाजी हूँ लिहाजा मैं ये मेरे पास रहेगी इसलिए कि उसकी खाला मेरे घर में है लोगों ने कहा कि नहीं इसके लिए क़ोरअंदाजी करो चिट्ठी उछालो उस जमाने में चिट्ठी उछालने का तरीका यह था कि लोग अपने अपनी पेन समंदर में और दरिया में डाल देते थे जिसकी पेन पानी के ऊपर तैरती रही समझो कि ये उसके हिस्से में आया हजरत सलाम की पेन ही पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आई हजरत जकरिया ने फरमाया देखा मैंने तो पहले ही कहा था हजरत जकरिया के हिस्से में हजरत मरियम आई वो केयर टेकर बन गए लुक आफ्टर करने वाले बन गए असल बात अब आ रही है हजरत जकरिया एक मस्जिद के इमाम थे उनके ऊपर एक कमरा था उनके लिए स्पेशल इमाम के लिए ऊपर एक कमरा था उन्होंने अपनी इस भांजी नेफियू हजरत मरियम को ऊपर के कमरे में ले जाकर रख दिया उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाते रहते थे सब चीजें उनकी खिदमत में पेश करते रहते थे असल पॉइंट अब है सुनना बराबर हजरत जकरिया देखते थे कि जब मैं कभी मेरी भांजी मरियम के कमरे में जाता हूँ तो गर्मी के फल सर्दी में नज़र आते हैं सर्दी के फल गर्मी में नज़र आते हैं ये क्या हो रहा है अब उस ज़माने में थोड़ा कोई सेंसबरी आसदा आइसलैंड और मोरिसन वगैरह था कि वो इंपोर्ट करते हों एक्सपोर्ट करते हों और दूसरे मुल्कों से मंगवाते हों नहीं ऐसा तो था नहीं तो फिर उनको हज़रत अलैहिस्सलाम को सवाल हुआ कि ये मेरी भांजी के पास बगैर मौसम के फल आते कैसे हैं जिसका मौसम नहीं है वो फल कैसे आ रहे हैं चुनचे उन्होंने अपनी भांजी हजरत मरियम से पूछा का मरियम अन्ना लकी हादा ये मरियम तेरे पास ये फल कहाँ से आते हैं इस कमरे तक तो कोई आ ही नहीं सकता है ये तो इमाम का स्पेशल कमरा है वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है तो तेरे पास ये फल आते कहाँ से हजरत मरियम ने बचपन में एक जवाब दिया था बहुत ध्यान से सुनो तुम लोग पढ़े लिखे हो इंशाला बड़ी काम की बात समझने को मिलेगी हजरत मरियम के पास अल्लाह ताला ने बचपन में ही ये जवाब कहलवाया था कि मरियमी अल्लाह की तरफ से आया है मुफसरीन ने लिखा है हजरत मरियम की बचपन से तरबियत कर दी गई थी वो हु इंदिल्ला कहने की प्रैक्टिस डाले ताकि जब बगैर शोहर के उनको पैदा हो और लोग उनको पूछें तो उस वक्त इंद कि सिस्टम होती है लेकिन असल बात जो है हजरत जकरिया ने जब देखा कि जो अल्लाह बगैर मौसम का फल मरियम को दे सकता है वो बगैर मौसम की औलाद मुझको भी दे सकता है देखा गेसिंग कैसे किया उन्होंने गेस गेस कर रहे हैं अल्लाह की कुदरत को कि मरियम के पास सर्दी का फल गर्मी में गर्मी का फल सर्दी में आ रहा है तो वो अल्लाह की इतनी बड़ी है कि वो मुझको भी बुढ़ापे में औलाद देने पर कादिर है वो मुझको भी अगरचे मेरा मौसम औलाद का नहीं है लेकिन वो मुझको औलाद दे सकता है हजरत ज़करिया खड़े हो गए मेहराब में हा? और दुआ करने लगे रबी मिल दुआ।, ये दुआ इतनी इफेक्टिव है इतनी पावरफुल है कि अगर फिजिकली किसी को वीकनेस न हो या उसके इस्पाम में या उसके अंदर कोई गड़बड़ न हो ये दुआ अगर यकीन के साथ बे औलाद मर्द औरत और और मांगते हों

जो आंखों की ठंडक हो ऐसे बच्चे किस काम के जिनके लिए कमा कमा कर हम थक थक, थक गए और बुढ़ापे में वो दर्द सर बने ए अल्लाह ए मेरे रब तू मुझको पाकिजा औलाद दे इन न कसमी और दुआ तू दुआ कबूल करने वाला है जो अरबी जानने वाले लोग हैं वो जानते फनादत हुल मला फ़ौरन फा का लफ्ज अरबी में फ़ौरन पर दलालत करने के लिए यूं हजरत जकरिया की दुआ करना हुआ कि यूं फरिश्तों ने खुशखबरी दे दी कि तुम्हारे यहां बच्चा पैदा होने वाला है और नाम भी अल्लाह ताला ने पहले से ही रख दिया मुझे असल ये समझाना है कि औलाद देने वाले तो अल्लाह है अब अगर हम दुनिया में किसी और के बारे में यह समझते हैं कि वो औलाद दे सकता है ये शिरक हो गया बिल्कुल बयान के शुरू से हम चले थे तोहीदमाई व अल्लाह ताला के नामों में भी तोहीद इख्तियार करना जरूरी रज़ाक अल्लाह है अब अगर कोई आदमी अपने बॉस अपने सेठ को ही ये समझता है कि यही मुझको रिस्क देता है सबब के दर्जे में अलग बात है लेकिन रिस्क देने वाला ध्यान से सुनो मसला कोई बॉस कोई बड़ा कोई सेठ अगर आपके पास नाजायज तरीके से माल कमाने की तदबीरें बताता है और आप सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो तो मुझे वेजिस देता है तनख्वाह देता है लिहाजा मुझको उसकी बात कबूल करनी ही पड़ेगी वरना मेरी रोजी रोटी का मामला आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपने रोजी देने वाला उसको समझा है ये शिरक हो गया हाँ तोहिदुलसमाई व सिफात ये इख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें और भी बड़ी अच्छी अच्छी काम की चीज़ें हैं इन हम आइंदा नशि में उसको समझाएंगे अल्लाह इज़्ज़त हमें दीन को समझने की तोफ़ी नसीब फरमाए देखो ऐसे न्यूट्रली मुसलमान मत बनो कि हम चलते आए हैं मुसलमान के औलाद में अल्लाह अब इस ज़माने में हमारे लिए सीखने सिखाने का बहुत अच्छा निज़ाम जारी फरमाया है कितना अच्छा निज़ाम है और कितनी ख़ुशी की बात है कि वो निज़ाम फ्यूचर जनरेशन के लिए बढ़ रहा है बहुत खुशी होती है जब नमाज़ पढ़ के हम अपने कमरे की तरफ़ जाते हैं कि अभी के ज़िम्मेदारों ने और अभी के पेरेंट्स ने और यहाँ की सोसाइटी के एल्डर्स ने पड़ोस में कितना ज़बरदस्त मदरसा बनाने का प्लान शुरू कर रखा है ये हमारे यंगस्टर्स को और हमारे बूढ़ों को इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए करना चाहिए इसलिए कि आने वाले हालात कैसे आएंगे कुछ कह नहीं सकते लिहाजा इसमें अपना जो भी कुछ लग जाए जो भी कुछ कुर्बानी लग जाए उसको कम समझना चाहिए इसलिए कि कोई कमेटी के लिए किसी के घर के लिए या किसी जिम्मेदार के लिए नहीं बन रहा है हम सबके जनरेशन के लिए बन रहा है जिससे हमारे दीन की हिफाजत होगी और दीन की हिफाजत होगी तो दुनिया की भी हिफाजत हो जाएगी इसलिए कि दुनिया की हिफाजत का राज और उसकी सिक्रेसी किसमें है दीन को महफूज रखने में

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه هَمْ سبك حالات برحم فرما एल्ला ये तेरे बहुत से बंदे दिन भर काम करके मेहनत करके तेरे नाम पर तेरे हुक्म पर रोज़ा रखते हैं और बिला किसी आगे पीछे होते हुए तरावी की पाबंदी करते हैं अल्लाह इन सब के ऊपर अपनी खसूस रहमत नाजिल फरमा कबूल फरमा और हमारे उमर रसीदा हमारे बड़े बूढ़े हैं जो बेचारे अपने बुढ़ापे के बावजूद तेरे हुक्म पर रोज़ा रखते हैं तो उनकी हालतों पर रहम फरमा तंदुरुस्ती इनायत फरमा हम सब को अपना मुकर्रब बना हमें अपनी महब्बत की चाशनी नसीब फरमा एल्ला हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमा ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्गों में हमारे बड़ों में जो जो बीमार चल रहे हैं ए अल्लाह उनकी उम्रों में सेहत के साथ आफियत के साथ उनकी दुआओं के सिलसिले को जारी रखते हुए बरकत नसीब फरमा और हमें अल्लाह तूने तंदुरुस्ती इनायत फरमाई है कई लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर सजदा करने के लिए तड़पते रहते हैं जिनका माथा ज़मीन पर टेका नहीं जाता है जिनके घुटने ज़मीन पर नहीं होते अल्लाह अभी तो तूने हमें इतनी ताकत दी है कि हमारी पेशानी को हम ज़मीन पर झुकाते हैं अल्लाह इस पेशानी की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा तंदुरुस्ती की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा हमारे भाइयों की रोज़ी में उनकी सेहत में इज़्ज़त में बरकत नसीब फरमा ईमान की हिफाज़त फरमा ईमान पर मुख्तलिफ किस्म के हमले हो रहे हैं अल्लाह उन हमलों का दिफा करने वाला हमें बना उनको समझने की तौफीक नसीब फरमा हमारे घरों में सब्र सुकून और शुक्र ये तीनों नेमतें नसीब फरमा एल्ला हम में से जिन लोगों को तूने दिया है उनके घरों में शुक्र नहीं है और जो बेचारे परेशान हैं उनके पास सब्र नहीं है और जिनके पास दोनों हैं या नहीं हैं तो वो सुकून के मुतलाशी हैं सब्र शुक्र और सुकून ये तीनों नमत नसीब फरमा एल्ला तू ही सब कुछ बख्शने वाला है हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना हमारी दीनी ज़रूरतों को पूरी फरमा हम सब को दीन की मस्जिदों की मदरसों की खिदमत के लिए कबूल फरमा एल अल्लाह ये मस्जिद और मदरसे तो अपने बंदों में से जिसके ज़रिए चाहे उनका काम ले सकता है तेरी ज़ात गनी है लेकिन हम में से खुशकस्मत होते हैं वो लोग जिनको तू इन मस्जिदों मदरसों की खिदमत के लिए कबूल कर लेता है अल्लाह हमें भी उन बंदों में शामिल फ़रमा हमारी जुमला इबादत को कबूल फ़रमा जिन्होंने दुआ के लिए कहा है जो मुतवें हैं जिनका हम पर हक़ है सब के जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा वसल्लल्लाहु सल अल्लाह तबारा अला खैर खलक़ ही सईद ना मोहम्मद व अला आलि वही अजमीन बेरहती